बिस्मिल्लाह। इसमें असाइनमेंट का फर्स्ट पेज रेडी करेंगे। सबसे पहले विच इज स्टूडेंट, फॉन्ट साइज, स्टूडेंट नेम राइट करेंगे, स्पेस दबा के इसके बाद हम लिख रहे हैं जैसे मेरा नाम है सनिया ताड़ी। नेक्स्ट हम इसी तरीके से रोल नंबर एंटर करेंगे, जो कि है 0005688221। इन द सेम वे रजिस्ट्रेशन नंबर, इन द सेम फादर नेम, असाइनमेंट पॉइंट, ASCII 02 ASCII 05। इसके बाद जी असाइनमेंट का टाइटल है, यहाँ पे हम 8605 का देखेंगे कि असाइनमेंट का टाइटल है क्या। मींस के हमने जो 8605 की बुक है उसका नाम लिखना है। असाइनमेंट टाइटल है एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। नेक्स्ट हमने बताना है अपना लेवल, विच इज B.ED। ठीक है, तो हम यहाँ पे जाते हैं, ये जो आइकन है इसके बाद हमें होम का आपको आइकन शो हो रहा होगा। होम पे जाके इंसर्ट पे आपने क्लिक करना है, यहाँ से आपने पिक्चर पे क्लिक करना है। पिक्चर
यहाँ पे हम फोटोज़ में जाएंगे, फोटोज़ में डाउनलोड पे हैं, एल्बम में हमारे पास लोगो पड़े हुए हैं यूनिवर्सिटीज़ के, वो हम इंसर्ट करेंगे। तो ये जी इसको आपने रोटेट करना है या कुछ एडिटिंग वगैरह करनी है या क्रॉप करना है तो कर सकते हैं, लेकिन ये एज इट इज़ ही डन इसको मैं कर दूंगी। ठीक है, ये आपने यहाँ जहाँ पे लगाना है यहाँ पे एडिटिंग कर सकते हैं इसकी। अगर यहाँ पे लगाना है तो हम यहाँ पे भी ऊपर भी लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट मुझे लिखना है इन टी लेक्चुअल, इसमें मैं बताऊंगी कि ये असाइनमेंट जो है वो मैंने खुद लिखी है, इसमें किसी भी किस्म की जो है वो कहाँ से कॉपी पेस्ट कहीं से भी कोई कॉन्टेक्ट जो है वो प्लेगरिज्म नहीं है। ठीक है, मतलब कि नेट से कॉपी पेस्ट नहीं किया गया है। अच्छा, ये एक पैराग्राफ है जो मैं कॉपी पेस्ट कर रही हूँ किसी और की असाइनमेंट से, या आपने हर असाइनमेंट में कॉमन ही लिखना। अब मैंने एक पैराग्राफ पेस्ट टाइप किया है, इसमें मैंने लिखा है कि ये जो पैराग्राफ है ये कहीं से भी कॉपी पेस्ट नहीं किया गया है और इसकी जो प्लेगरिज्म है वो बिल्कुल ज़ीरो है। अब मुझे जी असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर चेक करना है। असाइनमेंट 8605 का क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो वो मैं चेक कर लूँगी। तो मुझे क्वेश्चन पेपर सबसे पहले डाउनलोड, अब मैंने ये जो मेरा क्वेश्चन पेपर था इसको पहले सबसे पहले मैंने पीडीएफ में ओपन किया था, पीडीएफ के ऐप के जरिए, लेकिन अब इसको मैंने वर्ड के पे ओपन किया है। अब वर्ड पे ओपन करने के लिए सबसे पहले आपने अब उन्होंने कह के आप ग्रेड है कॉपी, तो मैं आप ग्रेड कर लूँगी, उसके बाद उसको सेव कर लेना है। ठीक है, आपने सेव कर लिया है, उसके बाद उसको आपने दोबारा ओपन करना है और आपने अपना क्वेश्चन नंबर वन जो है वहाँ पे ऊपर एडिटिंग पे ऑप्शन पे क्लिक करके उसको कॉपी कर लेना है। ठीक है, अब आपने जो अपने नाम की असाइनमेंट सेव की थी वहाँ पे जाएंगे, उसको ओपन करेंगे, जो कि मैंने नाम की थी 8605 न्यू, और यहाँ पे एडिटिंग एडिटिंग जब आप ऊपर पेंसिल बॉल पेन का ऑप्शन बना हुआ है उस पर अगेन क्लिक करके यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट कर लेंगे। सबसे पहले आपने वहाँ पे अपना कर्सर लेके आना जहाँ पे आपने इसको कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं अपना कर्सर का सेटिंग कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैं अपना जो क्वेश्चन मैंने कॉपी पेस्ट किया है, आप इसको सिंपल राइट भी कर सकते थे, मतलब मीन्स के टाइप भी कर सकते थे। अब इसको आपने सिलेक्ट करना है और नीचे जो ये जो एरोस का ऑप्शन है नीचे की तरफ है यहाँ पे आपने क्लिक करके इसको बोल्ड कर सकते हैं, इसका साइज जो है वो लार्ज कर सकते हैं, आप जिस तरह की एडिटिंग इसमें चाहते हैं आप कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं द सेम वे मैंने एडिटिंग कर ली है। आपने करना यूँ है कि अपने क्वेश्चन को केयरफुली रीड करने के बाद आपने बुक पे जाना है, बुक पे आपने इसमें से क्वेश्चन के कुछ जो वर्ड्स हैं मेन वर्ड्स हैं उनको लिखना है, मीन्स के जो आपका टॉपिक है इस क्वेश्चन में आ रहा उसको आपने लिखना है और उसको बुक के वर्ड जो आपकी बुक होगी जिसके आप असाइनमेंट बना रहे हैं उसमें से सर्च करना है। तो ठीक है, आपको वो इजीली आपके टॉपिक भी ले जाएगा, तो वो जो क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक होगा उसमें से आप जो जो पैराग्राफ कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं आप इजीली कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये जो फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन है इसको ही यही क्वेश्चन का आंसर है, तो मैंने इसको कॉपी पेस्ट करना है। अगर इसमें से आपने कुछ लाइन्स स्किप भी करनी है तो आप उतना ही सिलेक्ट करके, मतलब कि थोड़ा थोड़ा एक एक पैराग्राफ या हाफ ऑफ पैराग्राफ सिलेक्ट करके आप उसको अपने जो दूसरा डॉक्स है उसमें जाके कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से मैं जो पैराग्राफ है ये देखें, मैंने इकट्ठे ही दो तीन पेज जो है वो सिलेक्ट कर लिए हैं। अब मैं इनको यहाँ पे कॉपी करूँगी, जो सीजर के साथ वाला आइकन होता है वो होता है कॉपी करने का और उसके साथ वाला जो होता है वो कॉपी पेस्ट करने का होता है। ठीक है, जहाँ पे मैंने पेस्ट करना होगा वहाँ पे मैं अपना कर्सर लेके आऊँगी। अब भी ये देखें, पेस्ट करने से पहले आपने ऊपर जो है डिटिंग का ऑप्शन होता है, पेंसिल का मार्क होता है, उस पर क्लिक करना है, फिर वो आपका कर्सर आएगा, फिर आपने उसको
पेस्ट करना है। ये देखें जी पेस्ट हो चुकी है मेरी जो क्वेश्चन है इसमें। अगर आप कुछ सी का सिनोनिम चेंज वगैरह भी करना चाहते हैं या कोई लाइन रिमूव करना चाहते हैं तो वो इजीली आप कर सकते हैं।